हेलो फ्रेंड्स, बिहारी फूडशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक नए डिश के साथ आपके पास आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं देसी कढ़ाई पनीर, जिसके लिए हमने सबसे पहले पनीर लिया है। इस पनीर को हमने मैरिनेट कर लिया है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर में। उसके बाद हमने कुछ साबुत मसाले लिए हुए हैं, खड़े साबुत मसाले, जिसमें सबसे पहले बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग, जावित्री, दो तेजपत्ता के पाउडर, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज के प्याज, उसके बाद हमने हल्दी पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, कटी हुई लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद इसमें हमने लिया है सौंफ का पाउडर कर दिया। पहले हमने सौंफ को रोस्ट किया, उसके बाद फिर हमने उसे पाउडर बना दिया। उसके बाद हमने जीरा, धनिया, काली मिर्च को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है। सबसे पहले दोस्तों हमें गैस पे अपनी कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें हम सरसों तेल डालने वाले हैं। हम इस देसी कढ़ाई पनीर में सरसों तेल का यूज करें। सबसे पहले हम इसमें सरसों तेल डालें। अब हमें इसे कुछ हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, बहुत ही अच्छे से हमारे सरसों के तेल को गरम करना है। और एक तरफ दोस्तों हमने यहाँ पर गरम पानी किया हुआ है, उस गरम पानी में हम एक चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हमारे फ्राई जो पनीर होंगे इसको हम इसमें डीप करने वाले हैं। तो इसमें हम एक चम्मच या आपके अनुसार आप जितना डालना चाहें, एक या डेढ़ चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसे खूब अच्छे से बॉयल होने देंगे। अब जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा सरसों का तेल कुछ अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके अपने पनीर को फ्राई करेंगे। ये पनीर भी दोस्तों हमने अपने घर में ही बनाया है। आप चाहे तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने वीडियो डाला है कि घर में कैसे पनीर बनाते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर से पनीर ले नहीं रहे हैं, तो घर में ही हमने पनीर भी तैयार किया है। अब हमने सारे पनीर को इसमें डाल दिए हैं। कुछ इसे हल्के ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा पनीर पूरे अच्छे से फ्राई हो गया है, ये क्रिस्पी और ब्राउन हो चुका है। अब हमें इसे निकाल कर अपने गर्म पानी में डाल देना है, जिसमें हमने नमक डाल के रखा है। नमक हमने इसलिए दोस्तों डाला है क्योंकि नमक अच्छे से पनीर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए हमने गर्म पानी में नमक डाला है। अब हम इसे धीरे धीरे गर्म पानी में डालने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने अपने सारे पनीर को इस गर्म पानी में डाल दिया है अच्छे से। अब हम इसे कुछ 2-4 मिनट के लिए इस गर्म पानी में रखने वाले हैं। अब हम अपने मसाले की तैयारी कर रहे हैं। पनीर फ्राई होने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें साबुत मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालें, फिर दो लौंग डालें, उसके बाद फिर हमने जीरा, दालचीनी, जावित्री सबको एक साथ इसमें डाल दिया और कुछ देर गर्म होने के लिए इसमें डाल दिए और ये अच्छे से थोड़ा चटक जाए, तब हम इसमें प्याज मिक्स करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि सारे खड़े मसाले अच्छे से चटक चुके हैं, तो इसमें अब हम अपने प्याज को डालने वाले हैं। जो प्याज हमने 3 मीडियम साइज के प्याज रखे थे, उसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, उसे अब हम इसमें डाल रहे हैं। प्याज को दोस्तों हमें अच्छे से हल्के ब्राउन होने तक अच्छे से चलाना है और फ्लेम को मीडियम आंच पे रखना है।
और इसे हमें कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स करके चला लेना है। प्याज पकने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम 3 से 4 मिनट में हमारा प्याज अच्छे से पक जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज कुछ हल्का गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसमें अपने 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 तेज पत्ता ऐड किया हमने इसमें। उसके बाद हम इसमें अपना रेड चिली फ्लेक्स एंड ग्रीन चिली फ्लेक्स ऐड करने वाले हैं। थोड़ा इन सबों को अच्छे से मिला ले, अच्छे से हल्के हाथों से इसे मिक्स करके चला ले। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मिक्स करने वाले हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट करने से किसी भी सब्जी में अलग ही स्वाद और फ्लेवर आते हैं, और उसकी जो खुशबू होती है ना दोस्तों वो बहुत अच्छी होती है। इस जगह मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। अब इसे अच्छे से हल्के से मिला लेना है और इसे भी 3 से 4 मिनट पकने देना है, क्योंकि अदरक लहसुन पकने के बाद ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे अभी हमें 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज, अदरक लहसुन के पेस्ट, सारे खड़े मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना पाउडर मसाला डालने वाले हैं। हमें पनीर की सब्जी में ज़्यादा पाउडर मसाला नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं, जिसे हमने घर में ही रोस्ट करके बनाया है। उसके बाद हम इसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च, उसके भी पाउडर हमने घर में ही बनाए हैं, इसे भी हमने रोस्ट कर अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है। इसको हम 1 टेबल स्पून डालने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालने वाले हैं। इन सबों को कुछ काश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालना है, मतलब एटलीस्ट 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि ये देसी कढ़ाई पनीर बन रही है इसलिए इसमें काश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हम इसे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए बस ऐसे ही पकाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तेल अब मसालों में से छोड़ने लगा है, तो मतलब कि मसाला अब ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसमें हम हल्का सा नमक ऐड करने वाले हैं, क्योंकि नमक अच्छे से और मसाले को पका देता है और फ्लेवर भी थोड़ा थोड़ा घुल जाता है मसालों में नमक का। तो थोड़ा सा नमक डाल के हम इसे कुछ इस तरह से चला लेने वाले हैं ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें हम अब मलाई डालने वाले हैं। मलाई को दोस्तों हमें अच्छे से पहले फेंट लेना है, उसके बाद हम इसमें मलाई डालेंगे। अब हमने अपनी मलाई इसमें सारी डाल दिए हैं। आप मलाई की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने वाले हैं। अब हमें मसाले को कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छे से पकने देना है, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से खुलकर और एकदम अच्छे से सारे मसाले एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे। अभी दोस्तों हमें इसमें हल्का सा पानी भी मिक्स करना है, क्योंकि पानी मिक्स करेंगे तो अच्छे से मसाले एक पक भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो हल्का सा पानी हमें मिक्स कर इसे कुछ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, मीडियम फ्लेम पे ही। और है एक बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कि हमें इस कढ़ाई पनीर, देसी कढ़ाई पनीर को खुले में ही पकाना, मतलब इसे ढक कर नहीं पकाना, इसे ओपनली ही हमें पकाना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब हमारे मसाले पक के एकदम तैयार हैं, एकदम रेड कलर आ चुका है, पूरे मसाले पक गए हैं। तो मसाले में से भी तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया, मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं, इसके
खुशबू इतने ही अच्छे आ रहे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप बनाएंगे तो आपको उसकी खुशबू भी पता चलेगी और टेस्ट भी पता चलेगी। अब ये ऑलमोस्ट सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, हमने 4 लोगों के हिसाब से बनाया है तो हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल रहे हैं। 1.5 कटोरी, 1 कटोरी हमने पहले डाला है और 1/2 कटोरी और हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं और इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। अब हम अपने गैस को तेज कर दिया है, अब इसे हम हाई फ्लेम पे कुछ 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने तक पका लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा ग्रेवी कुछ बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, उसके बाद हम इस पे नमक ऐड करने वाले हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, हमने इसमें नमक ऐड किया, उसके बाद थोड़ा हल्का सा इसे हम मिक्सअप कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से घुल जाए इसमें। अब उसके बाद हम इसमें अपना फ्राई पनीर इसमें ऐड करने वाले हैं। जो पनीर हमने पहले से फ्राई करके रखा है उसे हम इसमें ऐड करने वाले हैं। अब हम पनीर कुछ इस तरह से ऐड कर रहे हैं दोस्तों। अब हमने अपना सारा पनीर इसमें ऐड कर दिया। पनीर ऐड करने के बाद इसे हमें कुछ अच्छे से चला लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे कर देना है। उसके बाद इसमें हम कस्तूरी मेथी को थोड़ा क्रश किया हुआ कस्तूरी मेथी डालेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो धनिया पत्ता तो है नहीं, तो अब कस्तूरी मेथी का ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कस्तूरी मेथी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे हम थोड़ा सा क्रश कर डालते हैं तो इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। अब हम इस पर कस्तूरी मेथी ऐड करने वाले हैं दोस्तों। कुछ हमने इस तरह से कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया, बस अब हमारा सब्जी बनकर पूरे अच्छे से तैयार है। बस दोस्तों, अब हमारा देसी कढ़ाई पनीर बनकर पूरी तरह तैयार है। हमने इसे बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉईल किया है लास्ट में। अब हम गैस को ऑफ कर रहे हैं और ये देसी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा देसी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत टेस्टी बना है, आप एक बार ज़रूर इसे घर में ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि सच में ये टेस्टी बना है या नहीं। और मैं जाने से पहले फिर वही बात कहूंगी जो हर एक वीडियो में कहती हूँ, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे लास्ट में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। बाय बाय फ्रेंड, फिर हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।